तुनिसा शर्मा के सुसाइड करने से उनके एक्स बॉयफ्रेंड सीजान खान की मुश्किलें बढ़ गई है। तुनिसा की फैमिली ने एक्ट्रेस की मौत का जिम्मेदार सीजान खान को बताया है। सीजान पुलिस कस्टडी में है, उनसे पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। सीजान को बीते दिन कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस सीजान को जिस तरह घसीटते हुए ले जा रही है उस पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। सीजान खान पहले 28 दिसंबर तक के लिए पुलिस कस्टडी में थे। बीते दिन उन्हें कोर्ट में पेश किया गया जहां कोर्ट ने उनकी रिमांड बढ़ाने का फैसला किया। अब वो वाली पुलिस के रिमांड पे हैं। सीजान को कोर्ट में ले जाते समय का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सीजान वीडियो में ब्लू कलर की हुडी और जींस में नजर आ रहे हैं। सीजान नंगे पाँव हैं, उन्होंने पैरों में चप्पल तक नहीं पहनी हुई है। पुलिस सीजान को कार से घसीटते हुए ले जाती दिख रही है। दरअसल पैपराजी और लोगों की भीड़ वहां जमा हो गई थी, इसलिए पुलिस उनसे बचने के लिए तेजी से सीजान को खींचते हुए ले जाती हुई नजर आ रही है। लेकिन लोगों को पुलिस का यह तरीका पसंद नहीं आया। पुलिस सीजान को जिस तरह बिना चप्पल के सड़क पर घसीट रही है उस पर लोगों ने नाराजगी जाहिर की है।